ट्रक रोबोट वर्सेस जायंट रोबोट गोरिला। लोग दुश्मनी निभाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कई बार तो वो सामने वाले का नुकसान करने के लिए खुद का ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। अजय और विजय दो बिजनेसमैन, दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। अजय बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल था तो विजय का खुद का बिजनेस बढ़ाने के बजाय अजय के बिजनेस को नीचे गिराने में ज्यादा मेहनत करता था, जिस वजह से वो खुद कभी अजय के आगे निकल ही नहीं पाया। एक दिन विजय कहता है, अजय अजय अजय, इसने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, चाहे कितनी भी कोशिश करो मैं इसे नीचे ही नहीं ला पा रहा, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाना होगा, जिस वजह से अजय का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाए। अरे सर, क्या यह बेहतर नहीं होगा, हम उनके बिजनेस को नीचे गिराने के बजाय अपने बिजनेस को ऊपर उठाए। तुम बिजनेस कैसे करना है ये मुझे मत सिखाओ, अगर उसका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया तो मार्केट में सिर्फ मेरा ही मेरा नाम होगा। तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो, और सबसे पहले ये पता कराओ कि उसके घर के बाहर वो पुराना सा ट्रक क्यों पड़ा रहता है, इतना अमीर इंसान और इतना पुराना ट्रक, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। ऊपर से उसका ध्यान भी बहुत रखता है वो, उसके हर कंसाइनमेंट के साथ ये ट्रक भी रहता है, जरूर इस ट्रक के साथ कुछ गड़बड़ है, मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लूं पर इसका कंसाइनमेंट वक्त पर सही जगह कैसे पहुंच जाता है ये पता नहीं कर पाया। लगता है अब बिजनेस को ना सही अजय को नीचे गिराने का वक्त आ गया है। पुराना ट्रक, यूं तो ये बड़ी छोटी सी बात थी पर विजय के आंखों में कुछ दिनों से खटक रही थी। अजय की छोटी से छोटी बातों पर भी उसकी नजर थी, वो किसी भी कीमत पर उसे ही नीचा दिखाना चाहता था। उसके स्टाफ और खासकर उसके असिस्टेंट को विजय की कोई भी बात समझ में नहीं आती, ना ही उन्हें उसकी हरकतों का अंदाजा होता। हर कोई उसे समझा कर थक चुका था, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने को या सुधरने को तैयार नहीं था। अजय सर, खबर मिली है कि विजय सर आपके बारे में और खास करके आपके उस पुराने ट्रक के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ओहो, इस विजय का मैं क्या करूं, फालतू में दुश्मनी लेकर बैठा है, ना खुद ठीक से काम करता है ना मुझे करने देता है, आधा वक्त तो मुझे इसके चालों को मात देने में ही लगाना पड़ता है, अब ये मेरे ट्रक के पीछे क्यों पड़ा है। एक काम करो, उस तक मेरे ट्रक के बारे में पूरी जानकारी पहुंचा दो, देखते हैं वो क्या करता है। विजय अजय के ट्रक के बारे में जान चुका था, जिसे सुनकर उसे हार्ट अटैक आना ही बाकी था। ओह शिट, यानी वो कोई मामूली ट्रक नहीं, एक ट्रक रोबोट है, इसलिए उसके रहते मेरे सारे प्लान फेल हो जाते हैं और अजय के कंसाइनमेंट सही वक्त पर डिलीवर हो रहे हैं। असिस्टेंट, मुझे एक सबसे भयानक और बड़ा रोबोट चाहिए जो उसके ट्रक रोबोट की चटनी बना सके। विजय के ऑर्डर पर उसका असिस्टेंट गोरिला रोबोट का इंतजाम करता है, जो विजय की तरफ से अजय के ट्रक रोबोट से लड़ सके। विजय अजय को हराने के लिए पूरी तरह से अंधा हो चुका था, इसलिए उसने अजय के नेक्स्ट कंसाइनमेंट पर अपने जायंट गोरिला रोबोट को भेज दिया ताकि वो उसका कंसाइनमेंट पूरी तरह से बर्बाद कर दे और साथ ही उस ट्रक रोबोट को भी डिस्ट्रॉय कर दे। विजय के प्लान के अनुसार बीच रास्ते में ही जायंट गोरिला रोबोट ने उस कंसाइनमेंट को रोक दिया और उसे तहस नहस करने की कोशिश की, पर वो कुछ कर पाता इससे पहले ही वो पुराना ट्रक रोबोट में बदल गया और जायंट गोरिला रोबोट के सामने आकर खड़ा हो गया। अब होगा असली आमना सामना, आज विजय को मेरे ट्रक रोबोट की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ये बिना बात, आज अजय का ट्रक रोबोट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, यही पर अजय की आधी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर उसे हराना और भी ज्यादा आसान होगा। दोनों ने अपनी तरफ से अलग अलग उम्मीदें पाल रखी थी, पर अब ट्रक रोबोट और जायंट गोरिला रोबोट की लड़ाई का नतीजा ही तय करने वाला था कि किसकी उम्मीद खरी उतरती है। गोरिला रोबोट ट्रक रोबोट को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक रोबोट उसे बार बार चकमा दे रहा था, कभी उसके वो पीछे आता तो आगे से जम के टक्कर भी मार रहा था। उनकी लड़ाई देख विजय को ट्रक रोबोट की ताकत का अंदाजा हो गया। काफी देर तक उनकी लड़ाई देख विजय को ट्रक रोबोट की ताकत का अंदाजा हो गया। काफी देर तक उनकी लड़ाई चलती रही, आखिरकार ट्रक रोबोट ने एक अनोखी चाल चलकर गोरिला रोबोट का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करते ही गोरिला रोबोट में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया और वो टुकड़ों में बिखर कर रह गया।
ये देखते ही अजय के चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई, तो विजय पूरी तरह से घबरा गया। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसके फोन की मैसेज टोन बजी। उसने देखा तो मैसेज अजय का था। जो हाल तुम्हारे उस घटिया जायंट गोरिला रोबोट को हुआ है ना, वही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। आगे से मुझसे उलझने के बारे में कभी सोचना भी मत। ट्रक रोबोट की ताकत देख विजय बहुत ज्यादा डर गया। उसे पता था कि अगर फिर से वो कोई चाल चलेगा तो इस बार अजय उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपनी बोरिया बिस्तरा बांध वो हमेशा हमेशा के लिए शहर और बिजनेस छोड़कर चला गया। जेसीबी गॉडजिला वर्सेस सुपर साइकिल रोबोट। ये कहानी है एक लड़की निशा की, जो अपने सुपर साइकिल रोबोट के बिना कहीं नहीं जाती थी। सुपर साइकिल रोबोट उसके जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। वैसे भी उसके अलावा उसके जिंदगी में और कोई नहीं था। सुपर साइकिल रोबोट हर वक्त परछाई के साथ उसके साथ रहा करता था, पर इस बात पर उसे बहुत लोगों ने टोका। इस बात पर उसका जवाब होता, ये रोबोट मेरे पापा ने बनाया था। मरते वक्त उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस लिया था कि मैं इसे हर वक्त अपने साथ रखूंगी, इसे अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगी। अब तो मुझे भी इससे लगाव हो गया है और ये भी मेरी सुरक्षा की बहुत फिक्र करता है। दरअसल उसके पापा की एक बड़ी सी कंपनी थी, जिसे बड़े होने के बाद निशा बड़े ही मेहनत और लगन के साथ संभाल रही थी। पर ऐसे ही एक बड़े बिजनेसमैन का निशा पर दिल आ गया था और वो उसे और उसकी कंपनी को हथियाना चाहता था। वो बिजनेसमैन नेक दिल तो बिल्कुल भी नहीं था। निशा से ज्यादा उसे उसकी कंपनी में इंटरेस्ट था। निशा भी उसके इरादों को भली भांति जान चुकी थी, इसलिए वो उसे जरा भी भाव नहीं देती। वो तो उसकी हरकतों से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी, पर वो है कि निशा को मनाने का एक भी चांस मिस नहीं करता था। निशा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो बिजनेस वर्ल्ड में खलबली मच जाएगी। मुझे आप में और आपके प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आइंदा से मेरे सामने ये बात ना ही करे तो बेहतर है। इतना कहकर निशा वहां से चली गई और वो बिजनेसमैन गुस्से में आग बबूला हो गया। इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है, पता नहीं किस बात की इसे अकड़ है, पर बाय हुक और बाय क्रूक मैं उसे और उसकी कंपनी को हासिल करके ही रहूंगा। अब तक इसने मेरे प्यार का तरीका देखा है, अब ये मेरा गुस्सा देखेगी। उस बिजनेसमैन ने निशा को इम्प्रेस करने के लिए उस पर काफी छोटे मोटे हमले करवाए, ताकि वो मुसीबत में पड़ जाए और ये उसे बचाकर उसके सामने हीरो बन जाए। पर हर बार सुपर साइकिल रोबोट बड़े ही आसानी से निशा को हर मुसीबत से बचा लेता था, इसलिए उस बिजनेसमैन को हीरो बनने का मौका ही नहीं मिलता था। सुपर साइकिल रोबोट जैसे उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुका था। उसका सबसे पहला काम था सुपर साइकिल रोबोट को रास्ते से हटाना। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली वाला खेल, इन छोटे मोटे गुंडों से सुपर साइकिल रोबोट को हराना नामुमकिन है। मुझे उसे रास्ते से हटाने के लिए उसके टक्कर की कोई सुपर विलन चाहिए, जो उसे चुटकियों में खत्म कर सके। जब तक वो रास्ते से नहीं हटेगा, मैं उस निशा को इंप्रेस नहीं कर पाऊंगा और ना ही वो मेरी बनेगी। और इसके लिए एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है, मोस्ट वांटेड साइंटिस्ट शर्मा। उसके पास एक से एक सुपर विलन है। ये सोचकर वो बिजनेसमैन तुरंत उस साइंटिस्ट को फोन लगाता है और मुंह मांगी कीमत में उससे एक सुपर विलन की मांग करता है। वो साइंटिस्ट भी एक नंबर का लालची था। मुंह मांगी कीमत का नाम सुनते ही उसने अपने जेसीबी गॉडजिला को उस बिजनेसमैन को देने का वादा कर दिया। जैसे ही उसे पैसे मिले, साइंटिस्ट ने जेसीबी गॉडजिला को उस बिजनेसमैन के हवाले कर दिया। ये रहा आपका सुपर विलन, ये बड़े आराम से उस सुपर साइकिल रोबोट को हरा सकता है। बस काम होने के बाद इसे मुझे वापस करना होगा। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं आपसे डबल पैसे वसूल कर लूंगा। अरे सच में ये पागल साइंटिस्ट है। एक तरफ तो कहता है कि ये जेसीबी गॉडजिला बड़ी आसानी से सुपर साइकिल को हराएगा, तो दूसरी ओर डबल पैसे की मांग भी कर रहा है। लालची कहेगा। खैर मुझे मेरा काम होने से मतलब है,
अब इसे मैं उस निशा के घर भेजूंगा और जैसे ही उसका सुपर साइकिल रोबोट खत्म हो जाएगा मैं हीरो की तरह एंट्री मारकर उसे बचाने पहुंच जाऊंगा। एक दिन निशा अपने सुपर साइकिल रोबोट को लेकर घर में ही बैठी थी कि तभी उसके घर के बाहर कुछ तोड़फोड़ की आवाज सुनाई देती है। निशा खिड़की से बाहर जाकर देखती है तो उसकी आंखें तंग रह गई। जेसीबी गॉडज़िला उसके गार्डन को तहस नहस कर रहा था। सुपर साइकिल रोबोट के सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो तुरंत जेसीबी गॉडज़िला को रोकने उसके सामने पहुंच गया। हे भगवान, ये राक्षस कहां से आ गया? ऐसा भयानक दुश्मन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरा साइकिल रोबोट, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। निशा अपने घर में सुरक्षित थी पर फिर भी उसकी नजरें खिड़की से बाहर जेसीबी गॉडज़िला और सुपर साइकिल रोबोट की फाइटिंग पर थी। वो डर के मारे बार बार अपने नाखून चबा रही थी तो यहाँ सुपर साइकिल रोबोट और जेसीबी रोबोट में घमासान युद्ध छिड़ गया। जेसीबी गॉडज़िला पागलों की तरह सुपर साइकिल रोबोट पर वार किए जा रहा था लेकिन सुपर साइकिल रोबोट की फुर्ती और लचीलेपन के सामने गॉडज़िला ज्यादा देर टिक ही नहीं पा रहा था। तो दूसरी ओर वो बिजनेसमैन निशा के घर से थोड़ी दूर पर अपने एंट्री का वेट करके थक चुका था और यहाँ इनकी फाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे कब जेसीबी गॉडज़िला उस साइकिल रोबोट को हराएगा और कब मेरी एंट्री होगी? यहाँ कार में बैठे बैठे मैं पूरी तरह से पक चुका हूँ। मेरी कमर में भी अकड़ आ गई। मेरा सुपर साइकिल रोबोट हार नहीं सकता। कम ऑन रोबोट, तुम्हें जीतना ही होगा। एक तरफ गॉडज़िला के जीतने की उम्मीद की जा रही थी तो दूसरी ओर सुपर साइकिल रोबोट की। पर कहते हैं ना कि जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। काफी देर लड़ाई के बाद सुपर साइकिल रोबोट ने गॉडज़िला को मारते ही नहीं और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। उस बिजनेसमैन को इसकी भनक लग गई और उसने वहां से निकलने में ही खुद की भलाई समझी और बिना देरी किए वो वहां से भाग गया और जाते जाते खुद के कान भी पकड़े। अरे बापरे, ये सुपर साइकिल रोबोट तो काफी डेंजरस है। मैंने इसे हल्के में लेकर काफी बड़ी भूल कर दी। अब उस साइंटिस्ट को मुझे उस जेसीबी गॉडज़िला के डबल पैसे देने पड़ेंगे। अरे मेरा तो भारी नुकसान हो गया। आगे से उस निशा और उसके साइकिल रोबोट से पंगा बिल्कुल भी नहीं लूंगा। हमेशा की तरह इस बार भी साइकिल रोबोट अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा। निशा की गई पुलिस कंप्लेंट के बाद बिजनेसमैन का नाम सामने आया और उसे कड़ी से कड़ी सजा हो गई। वो निशा का बिजनेस हथियाना चाहता था पर इन सब में उसका बिजनेस भी पूरी तरह से डूब चुका था।